गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर नंबर 10, कबड्डी 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 पार्ट 3। सो पार्ट 3 में टुडे वी विल सी हार्ड वर्ड्स, सो लेट्स गेट स्टार्ट। के ए बी ए डबल डी आई, कबड्डी। कबड्डी मींस गेम। ये क्या है? कबड्डी गेम का नाम है। एस एच ओ यू टी आई एन जी, शाउटिंग। शाउटिंग मतलब चिल्लाना। L O U D L Y, loudly, loudly मतलब जोर से। H O L D, hold, hold मतलब पकड़। T E A M, team, team मतलब दल। P L A Y I N G, playing, playing मतलब खेलना। G A M E, game, game मतलब खेल। C H E double D U, G-U double D-U, छेडू गुड्डू। छेडू गुड्डू क्या है? कबड्डी का दूसरा नाम है जो दूसरे स्टेट्स में बोले जाते हैं। S-U double R O-U N D E D, surrounded, surrounded मतलब घिरा हुआ। C-A-U G-H T, caught, caught मतलब पकड़ा हुआ। T-H-O-U G-H T, thought, thought मतलब विचार। A R M S, arms, arms मतलब बाजू। D R A double G E D, drag, drag मतलब घसीटना। I N C R E A S I N G, increasing, increasing मतलब बढ़ना। S T R E N G T H, strength, strength मतलब शक्ति। M A N A G E D, manage, मैनेज मतलब प्रतिबंधक। O double P O S I T E, अपोजिट। अपोजिट मतलब विरुद्ध या तो फिर सामने वाला। I N S I S T E D, insist, insisted, sorry, insisted, insisted मतलब जोर देना। B R E A T H, break, break मतलब सांस लेना। जो हम सांस लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रेक। A R G U M E N T, argument, argument मतलब बहस करना। P U double L I N G, pulling, pulling मतलब खींचना। B R A V E R Y, bravery, bravery मतलब वीरता। C O N T I N U O U S L Y, continuously, continuously मतलब निरंतर, जो चलता ही रहता है उसे कहते हैं continuously। P O S I T I O N, position, position मतलब स्थान। C A R E F U L, careful, careful मतलब ध्यान पूर्वक। A double T E N T I O N, attention, attention मतलब ध्यान देना। F O C U S, focus, focus means ध्यान केंद्रित करना। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो मीनिंग्स है एक जैसे ही है, तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। C O O R D I N A T I O N, coordination, coordination मतलब समन्वय। T O U C H, touch, touch मतलब स्पर्श करना। P L A Y E R S, players, players मतलब खिलाड़ी। A N D H R A P R A D E S H, आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश हमारे इंडिया का एक स्टेट है, तो इंडिया के एक स्टेट का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। I N T E R N A T I O N A L, international, international means अंतरराष्ट्रीय। W E I G H T L I F T I N G, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग मीन्स वजन उठाने की एक प्रतियोगिता होती है, तो वो प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? वेट लिफ्टिंग। F A R M I N G, फार्मिंग। फार्मिंग मतलब खेती। H U R D L E S, हर्डल्स। हर्डल्स मीन्स बाधा, रुकावट वाली जो एक गेम होती है, मीन्स की दौड़ना होता है और बीच में रुकावट होती है, तो वो रुकावट को क्रॉस करके हमें भागना होता है, रन करना होता है, तो वो गेम को कहते हैं हर्डल्स। A N D A double S A D O R,
तो एम्बेसडर मींस एक पर्सन होता है, एक कंपनी के लिए कोई पर्सन चूज किया जाता है, तो वो पर्सन क्या करता है, वो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होता है उसे प्रमोट करता है, तो वो कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाले पर्सन को कहते हैं एम्बेसडर। जो पर्सन चूज किया जाता है उसे पेड भी किया जाता है, उसे पैसे भी दिए जाते हैं, तो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे हम, एम्बेसडर कहेंगे। ENCOURAGE, एनकरेज, एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। EXPERIENCES, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। DISTURBANCE, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मतलब अशांति। SCOLDING, स्कॉल्डिंग मतलब डांट डपट। तो स्टूडेंट्स ये सारे हार्ड वर्ड्स, चैप्टर नंबर 10 के सारे हार्ड वर्ड्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, तो ये सारे हार्ड वर्ड्स आप लोगों को EVS की नोटबुक में अच्छी राइटिंग से 5 times लिखने हैं एंड उसे लर्न भी करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।